जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। भाई आज बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है वर्टिकल रोलिंग, आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का वर्टिकल रोलिंग ये होता क्या है। तो सिंपली आप अपने लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर क्लाइंट द्वारा पूछा जाता है ये सवाल। सिंपली मैं बता दूं, जब कभी भी एक लाइन अन्य दिशाओं को छोड़ करके अप या डाउन यानी ऊपर और नीचे किसी एक खास डिग्री में रोल होती है तो उसे वर्टिकल रोलिंग बोलते हैं। तो इसे आइए और डिटेल्स में समझते हैं। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारी जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग है एक बॉक्स के अंदर ही घूमती है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सिक्स साइड रोटेशन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अप एंड डाउन, ये सिक्स साइड सिक्स डायरेक्शन का जो रोटेशन होता है ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इन डायरेक्शन के कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट को सीखेंगे। तो इसे ही हमने यहां पे इस ड्राइंग का नॉर्थ ईस्ट साइड को माना हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जब क्लॉक वाइज जाएंगे तो इसे नॉर्थ को लेते हैं तो ईस्ट होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को समझेंगे। तो यह लाइन जो है, और सबसे पहले इसे हम ड्रॉइंग में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो एकदम से क्लियर और बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। जब जब कभी भी हैचिंग लाइन वर्टिकली हो यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो तो वर्टिकल रोलिंग ही कहलाता है। जैसे यहां देख सकते हैं ये लाइन हमारी अप हो रही है, अप होकर के यहां पे जहां भी हैचिंग लाइन है उसे हमें इस डायरेक्शन लाइन को फॉलो करेंगे। ये डायरेक्शन लाइन नॉर्थ जाकर के फिर अप हो रहा है, यानी नॉर्थ अप में ये पाइप रोल हो रहा है फिर अप हो जा रहा है। अब इसकी डिग्री कितनी है ये हम जब डायमेंशन लाइन पढ़ाएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी, अभी केवल डायरेक्शन हम समझते हैं। इससे ही अब जो है यहाँ पे एक और डाउट होता है, कभी कभी डिजाइनर द्वारा इसे अपोजिट साइड भी ड्रॉ किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके, जैसे यहां आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल को आप क्लियर अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेम लाइन है, सेम डायरेक्शन है, सेम रोटेशन है। यहाँ पे जब देखेंगे ए हैचिंग लाइन इनसाइड दिखाया हुआ है, ए हैचिंग लाइन आउटसाइड दिखाया हुआ है, इट डजंट मैटर। आपको बस माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हैचिंग लाइन किधर भी हो हमें डायरेक्शन फॉलो करना है। यहाँ पे लाइन सेम सेम डायरेक्शन में अप हो रहा है, अप होकर के नॉर्थ यानी अप नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ अप या अप नॉर्थ, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि लाइन नॉर्थ साउथ में है तो इसे हम नॉर्थ टू साउथ भी बोल सकते हैं, साउथ साउथ टू नॉर्थ भी बोल सकते हैं। अगर इसे अप डाउन देखा जाए तो डाउन टू अप एंड अप टू डाउन भी बोल सकते हैं। तो सेम वही चीज है, अगर इसे हम डाउन साइड से जाए डाउन साउथ डाउन एंड देन डाउन, तो हम बस इसका जो डायरेक्शन लाइन है हैच लाइन है उसे फॉलो करना है। इनसाइड की ड्रॉ की गई है, आउटसाइड इट डजंट मैटर। इसे हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल को, ये हमारी जो है इस नॉर्थ के अनुसार ईस्ट जा रही है, ईस्ट अप एंड देन ईस्ट, इसे अब समझेंगे अप हो रही है, अब इस हैच लाइन को फॉलो करिए, यहां से नॉर्थ अप एंड देन नॉर्थ। अब जो है अब नेक्स्ट क्लाइंट द्वारा पूछा जाता है कि आप तो ऐसे जुबान बोल देंगे, वो आपको ऐसे ड्राइंग देगा, आप बता दीजिए कि भैया ये लाइन इधर इधर जा रही है, अब बोलेगा कि मैं वायर बेंडिंग करके बताओ, ताकि हम जानना चाहता है कि आप कितना डीप इस चीज को जानते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं, तो आपको किस टाइप का वायर दे देगा। ये वायर थोड़ा मोटा और पतला हो सकता है, फर्क इतना ही है, आपको मोटे पतले से
डरना नहीं है, उससे क्या मतलब है, मोटा हो पतला हो, आपको बस परफॉर्मेंस वहां पे इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से क्रैक करना है, और यही चीज आपका सैलरी डिसाइड करेगा, आपके पोजीशन डिसाइड करेंगे। अब जो है आपको ऐसे वायर दे दिए जाएंगे और ऐसा एक फुल ड्राइंग दे दिया जाएगा। एक्चुअली ये फुल ड्राइंग नहीं है, ये हमने खुद से ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्राइंग का पार्ट है जिसमें ये केवल डायरेक्शन लाइन दिखाई गई है। अभी हम डायरेक्शन लाइन सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केवल डायरेक्शन लाइन है और न डायमेंशन है और न फिटिंग्स के डिटेल्स हैं और न बिल ऑफ मटेरियल है। यहाँ पे हम डायरेक्शन लाइन सीखे, इसलिए डायरेक्शन देखेंगे। अब यहाँ जो है ये लाइन पंप 01 नोजल नंबर 2 से आगे बढ़ रही है। हम पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर, जब भी हम वायर बेंडिंग करेंगे तो एक इजी ट्रिक मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, अपने सामने को नॉर्थ नॉर्थ मानेंगे तो इसके हिसाब से हमारी राइट हैंड हो जाएगी ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट एंड बैक साइड साउथ हो जाएगा। और ये आप इसे किधर भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेनली जो है ये बनने के बाद, ये वायर बेंडिंग यानी कि पाइप बनने के बाद सेम ड्रॉइंग के अनुसार बनना चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है। बाकी आप किधर नॉर्थ साउथ किसी 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 को माने, क्लॉकवाइज तो सेम उसी दिशा में जाएगी। तो मैं अपने ट्रिक से इसे मोड़ता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पंप 01 नोजल नंबर 2 से ए लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है, हमें नॉर्थ अपने सामने को माना हुआ है, नॉर्थ की तरफ मोड़ देंगे। और क्योंकि यहाँ पे हैच लाइन नहीं है और कोई रोलिंग नहीं है तो हम रोल नहीं करेंगे, एकदम एग्जैक्ट अपनी डायरेक्शन में लाइन मूव कर रही है। और जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल जहां पे है वहां फिक्स रखेंगे। अब यहां से अप हो रही है सीधी, बिना रोटेशन के लाइन अप हो रही है अपने डायरेक्शन में, अप होकर के यहां से नॉर्थ अप हो रही है। ये डायरेक्शन लाइन, अब हैच लाइन देखेंगे इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, नॉर्थ टू अप, यानी कि यहां पे लाइन डिग्री बना रही है, यानी कि न तो एग्जैक्ट नॉर्थ में है और न एग्जैक्ट अप है, ये दोनों के कॉर्नर पे ऐसे डिग्री बना करके ये लाइन ऐसी हो रही है। अब यहां से हमारी लाइन अप हो रही है अगेन, फिर इसे अप कर देंगे सीधी 90 डिग्री में, अब हो गई यहां तक आ गए हम। अब यहां देखिए यहां का हैच लाइन क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन लाइन इसे नॉर्थ बनाता है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट अप, यानी कि ना एग्जैक्ट वेस्ट में ना एग्जैक्ट अप है, वेस्ट अप कॉर्नर पे, यानी कि वेस्ट अप डिग्री, यहां भी एक ऑफसेट बना रहा है, यहां से फिर अप हो रहा है बराबर 90 डिग्री में अप हो रहा है, फिर यहां से वेस्ट जा रहा है, फिर अप हो रहा है अगेन, वेस्ट जा रहा है बराबर 90 डिग्री में, फिर अप हो रहा है, उसके बाद फिर वेस्ट अप हो रहा है, यानी कि डिग्री बना करके वेस्ट अप हुआ, फिर अप हो जा रहा है एग्जैक्ट अप हुआ, फिर नॉर्थ जा रहा है, यानी कि हमने अपने सामने माना हुआ है नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ जा रहा है, फिर जो है यहां से डाउन हो रहा है डाउन, फिर यहां देखेंगे हैच लाइन है, इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है, ईस्ट टू डाउन, यानी कि ईस्ट डाउन, यानी ये डाउन होकर के ईस्ट डाउन, यानी कि ऐसा ऑफसेट बना रहा है एक डिग्री में, फिर एग्जैक्ट ईस्ट में ऐसा जा करके यहां पे कनेक्ट हो जा रहा है। और जैसे ऐसा वायर बेंड करके उसको दिखाएंगे, वो अलग अलग दिशाओं में से मुड़ के देखेगा और आपकी सैलरी एकदम अच्छी लगा दी जाएगी। देखिए ये बराबर दिख नहीं रहा होगा, बहुत पतला वायर है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे और ऐसा ही वायर बेंड करना है। दो तीन पॉइंट फॉलो करने हैं, अपने सामने को नॉर्थ और उसके क्लॉकवाइज NESW, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस फॉर्मूला को अपनाना है और फर्स्ट पॉइंट को फिक्स रखना है, उसके बाद बाकी को उसके डायरेक्शन से मुड़ते चले जाना है। और यहां भी जाकर के एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको,
यहाँ जाकर के लाइन जो है वेसल 01 नोजल नंबर 35, यानी कि एक वेसल है वी, उसके नोजल नंबर 35 पे कनेक्ट हो जा रहा है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी और आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।